वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को, उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को। तो आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो क्यूब रूट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2 है हमारे पास। इसका जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ। इसमें आपने क्या करना है, क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। पहला क्या आपके पास -1 है, -1 की का क्यूब रूट आपने मालूम करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या आएगा, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, ठीक है। एक्स क्यूब को -1 की इक्वल हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर -1 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस इस तरफ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू क्या, 0, ठीक है। अभी 1 के ऊपर मैं क्यूब रखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 0। अभी फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला, यूजिंग, मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है, ठीक है ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इसके बराबर है, सॉरी, ठीक है ना। अब इस फार्मूले को मैं क्या करूंगा, यहां पर अप्लाई करूंगा। यहां पर अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है ना, यहां पर इस तरह से आ जाएगा ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस वन, यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए एक्स है, एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स और वन, ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास क्या है, 1 है। ए बी तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, इक्वल्स टू 0। तो पहला जो चीज है वो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 को आप क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये प्लस 1 है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो ये पहला आपको मिल गया। इसके बाद वाला हमारे पास क्या है, सेकेंड, सेकेंड हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला हमारे पास हो गया, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, मजीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 1 ना जाएगा। अभी कोई ऐसा रकम नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करे 1 ना जाए और प्लस माइनस करे 1 ना जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद, कंपेयर किस से करेंगे, कंपेयर हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, ए आर, यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए बी और सी के कोएफिशिएंट हमें मिल गए, यानी कि एक्स एक्स स्क्वायर एक्स और 1, इनके कोएफिशिएंट हमें मिल गए। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, QF, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, अभी यहाँ से हम वैल्यू लेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो b की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस 1, ये माइनस फार्मूले का है, 1 ये है, ठीक है ना, b का है। फिर प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस ये माइनस 4, ये 4 हो गया हमारे पास, ए ये हमारे पास क्या है, 1 है, ये 1 हो गया, और सी हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये 1 हो गया, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है। अभी क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 4 4 1 4, 2a, सॉरी a की वैल्यू 1 है, ठीक है, मैंने पुट करना भूल गया, a की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 माइनस 4 अपॉन 1, ठीक है ना, 4 1 सा 4 होता है और 2 1 सा 2, सॉरी, ठीक है। इंप्लाइज दैट माइनस 1 प्लस माइनस, अभी क्या करेंगे, 1 में से 4 निकालो कितना बचेगा, माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2, ठीक है ना। तो माइनस आ गया, माइनस आ गया, हम क्या करेंगे, आयोटा लगाएंगे, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट
आयोटा ओवर टू, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया, दूसरा रूट आपको मिल गया, यानी कि इसके क्या आ गए, यहाँ पर आप हवाला दे सकते हो अंडर रूट माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा। ये मैंने आपको बताया था कि माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर अंडर रूट माइनस वन आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आयोटा लगा लिया, ठीक है ना। तो इसके क्यूब रूट्स क्या आ गए, ठीक है ना, क्यूब रूट्स आपको ये क्या मिल गया था, माइनस वन, फिर माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा ओवर टू, और लास्ट में क्या है, लास्ट वाला एक माइनस में ले लो, प्लस में ले लो, माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा ओवर टू। तो ये आपके क्यूब रूट्स हो गए। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।